हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड्स यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। इसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं आज एसेसरी ग्लैंड्स की, जिसमें कि ये जानेंगे कि जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशंस में कौन कौन से एंजाइम या फिर कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस का क्या काम होता है कि ये हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्म का तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद से स्पर्म को बाहर निकालने के लिए भी उसे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मीडियम कहाँ से आता है, जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स या फिर म्यूकस आप कह सकते हैं, वाटर होते हैं, इन सब का एक मिक्सचर यहाँ पे देते हैं। और इसी मिक्सचर में, इसी फ्लूइड में हमारा जो स्पर्म होता है ये मिक्स हो जाता है और ये इजैकुलेट कर दिया जाता है मेल बॉडी के बाहर। तो इसीलिए जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है हमारे स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँचाने के लिए। तो एसेसरी का मतलब ही होता है कि क्या करती है, यहाँ पे हेल्प करती है। किसका हेल्प करती है, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि जो टेस्टिस है, इससे बनने वाले जो स्पर्म्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनको हेल्प करती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ट्रैक में भेजने के लिए। इन ग्लैंड्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रोल होता है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है और ये किसके साथ मिक्स होता है, यहाँ पे आके हमारे जितने भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके फ्लूइड के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो इसे हम एक कॉमन टर्म देते हैं, और ये कॉमन टर्म होता है सीमेन। तो स्पेशली आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि सीमेन किसे कहा जाता है और इनमें कौन कौन से एंजाइम या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सीमेन का, कि सीमेन का डेफिनेशन क्या कहता है। तो सीमेन इज अ थिक मिल्की स्टिकी विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। जो सीमेन होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे थिक होगा थोड़ा सा, कलर इसका कैसा होगा, थोड़ा सा मिल्किश होता है, यानी कि ये थोड़ा वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद से क्या कहता है कि ये स्टिकी भी होता है, एंड इसके साथ ही ये विस्कस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये इसका जो नेचर होता है यानी कि जो पीएच होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म के लिए अल्कलाइन मीडियम होना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा कैसा होता है, ये इसका जो नेचर होगा वो अल्कलाइन होगा। तो ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मींस कि कह सकते हैं कि ये गाढ़ा होता है, ठीक है, और वाइट कलर का होगा, थिक होगा और थोड़ा सा ये स्टिकी होता है। तो ये होता है हमारा सीमेन। और फिर क्या होता है, ये विच इज़ इजैकुलेटेड बाय अ मेल ड्यूरिंग कोइटस। तो कोइटस मीन्स कि आपका जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो एक ऑर्गेज्म के बाद से क्या होता है कि मेल जो होते हैं वो इजैकुलेट करते हैं, और इसी इजैकुलेशन को हम नाम देते हैं सीमेन। और इस सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, क्या चीज़ यहाँ पे कंटेन करेगा, पहला का यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म सेल्स। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे वो होता है हमारा यहाँ पे स्पर्म सेल होगा, जो कि क्या करता है, ये गैमेट होता है हमारा कौन सा, ये मेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट होगा आपके सीमेन में, और ये कहाँ से आता है आपके, ये टेस्टिस से आता है। तो ये आपके टेस्टिस से आएगा, और ये हमारा सबसे मेन हो गया। उसके बाद से जो दूसरा चीज़ क्या होगा यहाँ पे, सिक्रेशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। तो जितने भी सिक्रेशंस होते हैं हमारे एसेसरी ग्लैंड्स के, वो आपके सीमेन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ग्लैंड होगा वो हमारा होगा सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहला ग्लैंड होता है, और ये मेजर ग्लैंड्स में आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो सीमेन का जो फ्लूइड होता है उसका वो 70-80% जो होता है वॉल्यूम यहाँ पे देता है। तो इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि ये वन पेयर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले की जो वीडियोज़ है उनमें जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने ये कई बार बताया हुआ कि जो हमारा सेमिनल वेसाइकल होता है वो वन पेयर होता है। वन पेयर मीन्स कि उसमें दो ग्लैंड्स आते हैं, और ये क्या होते हैं, सेमिनल वेसाइकल आपका कंट्रीब्यूशन कितना देते हैं आपके सीमेन को, 60-70% या फिर ये 80% तक का भी होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो पहला यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो होता है ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे शुगर होता है। जैसे कि आपको पता है कि शुगर हम क्यों लेते हैं, शुगर लेने से क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है। तो जैसे कि हमारे लिए ज़रूरी जो होता है वो ग्लूकोज होता है। आप जब भी बहुत ज़्यादा थके रहते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप में एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, शुगर लेते हैं, चीनी पानी का घोल लेते हैं या फिर आप ग्लूकोन डी पीते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो फ्रक्टोज होता है ये एक तरह का क्या होता है, शुगर होता है। तो इस शुगर की वजह से क्या होगा, आपका जो स्पर्म आ रहा है आपके इस फ्लूइड में, यानी कि ये जो स्पर्म सेल है
इसे फ्रक्टोज क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और इस एनर्जी का स्पर्म क्या करते हैं, इसे उन्हें तैरने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो फ्रक्टोज का यहाँ पे काम होता है उसे एनर्जी प्रोवाइड कराना। फिर आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, देन फाइब्रिनोजेन एंड वाटर प्लाज्मा एक्सेट्रा। इसका क्या काम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का ये क्या करता है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं उस समय जब आपका इजैकुलेशन होता है उस वक्त ये क्या करता है, जो प्रोस्टा हमारा ग्लैंडिन होता है ये आपके जो सर्विक्स की जो वॉल होते हैं या फिर जो ट्रैक्ट होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसे क्या करता है, डायलेट करता है, मीन्स कि थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी स्पर्म है या फिर जो सीमेन जो गया है उस ट्रैक्ट में वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको चीज़ें भेजनी होती है, क्योंकि फीमेल बॉडी में क्या होता है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ असेंड करना होता है, यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने का जो काम होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो हमारा सीमेन होता है या जो स्पर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ ये कहाँ जाएगा, यूट्रस से होता हुआ ये हमारे फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचती है, और फेलोपियन ट्यूब में हमारा होता है एग जिसे कि ये फर्टिलाइज करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें। फिर इसमें आते हैं क्या, फाइब्रिनोजेन, देन वाटर और प्लाज्मा। तो वाटर प्लाज्मा यहाँ पे ज़रूरी है, तभी आपको एक फ्लूइड जैसा यहाँ पे आपको मिलता है, और जो फाइब्रिनोजेन है वो क्या कराएगा, यहाँ पे क्लॉटिंग होता है, जो आपके स्पर्म होते हैं उन्हें जब यहाँ पे मिक्स किया जाता है इस सेमिनल वेसाइकल के जो फ्लूइड होते हैं और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है इनके साथ जब ये मिक्स होता है तब ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉट बनता है, क्योंकि आपके जो स्पर्म होते हैं अगर उनके पास एनर्जी है तो वो क्या किया जाता है, उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, ताकि जब वो फीमेल ट्रैक में जाए तब तक के लिए वो एनर्जी को क्या कर सके, यहाँ पे स्टोर कर सके, जिसकी वजह से क्या हो सके कि आपके फीमेल बॉडी में वो अच्छे से मोबिलिटी शो करे। तो यहाँ पे अगर आपने अगर थोड़ा सा उसका जो एनर्जी है अगर बचा दिया तो वहाँ पे क्या होगा, आपके फीमेल बॉडी में इसे ईजी होता है। तो यहाँ पे एनर्जी सेव करने के लिए, स्पर्म की जो एनर्जी होती है उसे सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके जो फ्लूइड आ रहे हैं उसे थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा क्लॉटिंग यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो बचाया जाता है। तो इसका काम यही होता है कि क्लॉट बनाता है आपके फिब्रिनोजेन का, और वाटर प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होंगे तभी आपके जो सीमेन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड होता है, सेकेंड ग्लैंड, जो कि होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसका जो नंबर होता है वो केवल एक होता है, ये क्या होगा, सिंगल ग्लैंड होता है, और इस सिंगल ग्लैंड्स के क्या क्या चीज़ें होती है इसमें हम देखते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं कि ये 25-30% का जो वॉल्यूम है आपके सीमेन का वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। उसके बाद से ये क्या क्या कंटेन करेगा, हमारा सिट्रिक एसिड देगा, कैल्शियम देगा, कैल्शियम आयन देगा, देन क्या है यहाँ, प्रोफाइब्रोलाइसिन एंड एंजाइम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम आयन मिलते हैं, सिट्रिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो होता है आपका जो स्पर्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। और आपको पता है कि जो हमारा एटीपी होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ पे सेकेंड सोर्स क्या होता है आपकी एनर्जी के लिए, स्पर्म एनर्जी के लिए यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब ये सिट्रिक एसिड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहाँ से एटीपी बनते हैं और एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का यूज़ कौन करता है, स्पर्म करते हैं, और कब करते हैं, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं तब इन्हें क्या होता है, तैरना होता है, तैर के कहाँ तक जाना होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पर्म के पास एटीपी रहे, तभी क्या होंगे, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक यानी एग तक ये सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं। फिर यहाँ पे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन देख रहे हैं, इसका भी वही काम होता है, आपके क्लोटिंग में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपने दो ग्लैंड्स देखे, पहला ग्लैंड्स जो था ये वन पेयर था, दूसरा जो होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड ये केवल एक होता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, एक होते हैं, बाकी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा तीसरा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भी क्या होगा, आपका वन पेयर होगा, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाता है आपके सीमेन के वॉल्यूम में, तो वो होता है आपके 5-10% का। तो 5-10% आपका जो वॉल्यूम है वो कौन देता है, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, इट कंटेन्स क्या, म्यूकस एंड सर्टेन एंजाइम्स
एक्सेट्रा। तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि म्यूकस अगर अगर बनते हैं या फिर आपके सीमेन में है, तभी क्या होते हैं कि जो स्पर्म होते हैं वो इजीली आपके ट्रैक से, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उससे इजीली क्या होता है, पास आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे म्यूकस का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। ये क्या करता है, पेनिस को यहाँ पे लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे म्यूकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे म्यूकस हो गया और सर्टेन एंजाइम्स निकलते हैं। इनमें क्या होता है कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा आता है, आपने फिगर में भी देखा होगा, मैंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ है कि यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है आपके यूरिन को पास करने के लिए, प्लस जो आपका सीमेन आ रहा है उसके पासिंग के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो ट्रैक्ट है वो एसिडिक हो जाए और जिसकी वजह से स्पर्म क्या होते हैं, मर भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि जो फ्लूइड है वो अल्कलाइन नेचर का हो, और उस अल्कलाइन नेचर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमारा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये यहाँ पे क्या करता है, उस एसिडिटी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका अल्कलाइन नेचर होता है आपके सीमेन का वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है आपके यूरेथ्रा को। और ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि आपने यूरिन को पास किया है और यूरिन कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ग्लैंड्स है ये अपना सिक्रेशंस दे और इसे न्यूट्रलाइज कर सके। तो यूरेथ्रा को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द पेनिस। तो पेनिस को मेन यहाँ पे लुब्रिकेशन करने का काम होता है हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को। तो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है, इसका एक और नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड भी इसका एक नाम होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि कॉपर्स ग्लैंड इसका एक दूसरा नाम होता है, अनदर नेम कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो सेम नाम है, अगर आपको कभी इस तरह से एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे कि इसके दो नाम होते हैं। आप इसे बल्बो यूरेथ्रल भी कह सकते हैं या फिर आप इसे कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे म्यूकस सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आपके पेनिस को क्या मिलता है, लुब्रिकेशन मिलता है, प्लस ये क्या करता है कि आपके यूरेथ्रा को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है, उसके एसिडिटी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो भी आपके सीमेन आ रहे हैं वो यहाँ पे स्पर्म जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोई भी हानि नहीं होती है। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अल्कलाइन जो मीडियम होता है वो उसी तरह से एज इट इज़ रह जाता है। तो ये हमारे तीनों ग्लैंड्स होते हैं। तो तीनों ग्लैंड्स के जो सिक्रेशंस होते हैं प्लस जो हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, इन्हें मिला के ही हम क्या कहते हैं, सीमेन। तो यहाँ पे शायद आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, जो हमारा स्पर्म है वो क्या होता है, पार्ट होता है हमारे सीमेन का। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्पर्म यहाँ पे इजैकुलेट होते हैं अकेले ही, क्योंकि इन दोनों को मिलने के बाद से, किसके किसके मिलने के बाद से, आपके सिक्रेशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स और जो हमारा स्पर्म सेल है, ये दोनों ही मिला के आपके क्या बनाते हैं, यहाँ पे सीमेन। तो ये दोनों आपके क्या बनाएंगे, सीमेन। तो ये सीमेन क्या होता है, इसमें स्पर्म सेल भी होगा और सिक्रेशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप वन टाइम में कितना इजैकुलेशन करते हैं और कितने ml तक का सीमेन आप इजैकुलेट करते हैं। तो ये कम से कम होता है आपके 2.5 ml से लेके 5 ml तक का सीमेन जो होता है एक इजैकुलेशन में निकलता है, और इसमें 200 से 300 मिलियन तक इसमें स्पर्म मिलते हैं। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारा सीमेन होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है। तो ये होता है आपका 2.5 से लेकर 2.5 ml टू 5 ml पर इजैकुलेशन। तो ये पर इजैकुलेशन का है, पर इजैकुलेशन। और इसमें स्पर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पर्म, ये आपका होता है 200 to 300 million। तो इतने सारे स्पर्म होते हैं आपके एक इजैकुलेशन में, और इनमें से सारे क्या होते हैं, आपके सारे ही क्या होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, आधे जो होते हैं 60% लगभग यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे स्पर्म होते हैं, जिनमें से कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं या फिर नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं और आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ये पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करवाते हैं। ये होता है हमारे सीमेन का टोटल कॉम्पोजिशन। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।